टैली की आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में आज आपको समझाऊंगा कि स्टार्टिंग डेट को कैसे चेंज किया जाए, यानी काम शुरू होने की डेट कैसे चेंज करी जाए, फाइनेंशियल ईयर कैसे चेंज किया जाए, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। ईआरपी 9 की बात करें या टैली प्राइम की बात करें, प्रोसेस दोनों में सेम है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन करता हूं। ये टैली प्राइम ही है, ये देखिए ये इस तरीके से ओपन हो जाता है। हमें एजुकेशनल मोड में कार्य करना है, ठीक है, तो हम टैली प्राइम को इस तरीके से ओपन करेंगे। जैसे ही ये ओपन होता है तो यहाँ कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक कंपनी बनी हुई है, ठीक है। अब हमें पता करना है कि हमारा स्टार्टिंग डेट क्या रहा। तो अगर यहाँ से हम सीधा सीधा यहाँ देखिए, यहाँ पे करते क्या है लोग कि अल्टर पे सीधा चले जाते हैं, ठीक है। जो बिगिनर्स होते हैं वो अल्टर पे जाते हैं और यहाँ पर कंपनी का कोई भी डिटेल नजर नहीं आता है। जैसे यहाँ पे चेंज कंपनी नजर आता है तो यहाँ पर आप क्लिक करके जाएंगे तो यहाँ पर आपको अल्टर वाला ऑप्शन नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी चीज नहीं होगी आपकी, यहाँ से बाहर आइएगा, F3 प्रेस कीजिएगा, या ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है कंपनी, तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये क्लिक किया हमने, फिर यहाँ से अल्टर कंपनी पे जाकर के यहाँ पर देखिए ये हमारा स्टार्टिंग डेट है, काम शुरू होने की डेट है 1 अप्रैल 2023 यहाँ पे देखिए। और फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से ही शुरू होता है, चाहे सन आपका जो भी हो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको बदलना होगा, पे जो भी डेट दे देंगे, जैसे 2 अप्रैल कर देंगे तो ये डेट 2 अप्रैल वाली हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी यहाँ डेट देना चाहे यहाँ पे देकर के काम शुरू होने वाली डेट आप चेंज कर सकते हैं। यही वो तरीका है जिससे काम शुरू होने वाली डेट चेंज हो जाएगी। अब जैसे यहाँ 2 कर दिया मैंने, तो यहाँ से 2 तारीख हो गया, ये 2 अप्रैल, पहले 1 अप्रैल था, अब ये 2 अप्रैल हो गया, यानी काम शुरू होने वाली डेट क्या हो गई, 2 अप्रैल हो गई। अगर आप 2 अप्रैल नहीं रखना चाहते, कुछ और रखना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर आकर के काम शुरू होने वाली डेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे 2 मई रखना चाहते हैं तो 2 यहाँ पे 2 मई कर दिया हमने, तो ये देखिए ये 2 मई हो गया डेट। और एंटर एंटर करके लास्ट तक आपको एंटर एंटर करना है ताकि ये एक्सेप्ट हो जाए। एक्सेप्ट होने के बाद जब ऐसी विंडो आ जाएगी तब आप समझ जाइएगा कि हाँ हमने इसमें चेंजेस कर दिए हैं। टैली ईआरपी 9 में क्या कहानी है, तो सेम कहानी है। ये टैली ईआरपी 9 है, यहाँ पर क्रिएट पे जाके आपको एंटर करना है। जैसे ही एंटर करते हैं तो आपके सामने नई विंडो आएगी। यहाँ पर जो भी आप कंपनी का नेम देना चाहें, न्यू कंपनी दे देते हैं हम, ये दे दिया न्यू कंपनी, और इसका एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे, न्यू कॉलोनी देवरिया, ये हमने एड्रेस डाल दिया, एंटर किया, एंटर किया। और यहाँ पे एक कंट्री आएगी, यहाँ पे स्टेट उत्तर प्रदेश हमारा हो जाएगा। आप यहाँ पे चाहे तो पिन कोड डाल सकते हैं। यहाँ पर आएंगे तो ये तो आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला डेट है, काम कब से शुरू होता है आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप जो है जो भी डेट देना चाहें, ठीक है, आपका अगर पेड वर्जन होगा टैली का तो वहाँ पर आप कोई भी डेट चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे 2/7/2024 कर देता हूँ, तो देखिए ये डेट चेंज हो जाएगी और यहाँ पर एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये काम शुरू होने वाली डेट है, ठीक है। अब अगर आप इसमें भी चेंजेस करना चाहें तो ये भी किया जा सकता है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर टैली ईआरपी 9 में आपको ऑल्ट F3 करना है, ठीक है। और ऑल्ट F3 करते ये विंडो ओपन होगी और ऑल्टर पे जाइएगा तो आपको कंपनी मिल जाएगा। और यहाँ से आप डेट, फिर यहाँ से देखिए यहाँ पे काम शुरू होने वाली डेट हमने 2 जुलाई रख दिया था, लेकिन हमें रखना है 2 मई, तो 2/5/2024 कर देंगे, 2/5/2024, तो ये डेट चेंज हो जाएगी आपकी, ठीक है। एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये डेट चेंज करने का तरीका है, उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आई होगी।